देहरादून में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही एसएसपी द्वारा क्षेत्राधिकारी मसूरी के अंतर्गत दो अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। टीम का गठन होते ही पुलिस ने बीती देर रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटी पार्क में अवैध कॉल सेंटर पर दबिश दी तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर चलता हुआ पाया गया, जहां अलग अलग केबिन में बैठे युवक युवतियों द्वारा सिस्टम से कॉल जो अटेंड की जा रही थी। इसके तहत ही पुलिस द्वारा मौके पर ही कॉल सेंटर को संचालित कर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वे लोग यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पर आए गए, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था, और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था, और जो भी ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहां से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहां पर पाया गया। और इसमें 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उसको वर्क कर रहे थे, जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं ना कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटरस्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था, और ये वही, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें, और इस तरह के लोग को वहां पर एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। पूरे मौके से जो हमारे टीम ने उसमें किया उसमें 81 जो है हमारे लैपटॉप थे जो यूज हो रहे थे, 29 डेस्कटॉप लगे थे, साथ ही साथ विभिन्न राउटर्स 5 उसमें बरामद हुए जिसके माध्यम से सारा ये खेल चल रहा था। तरह तरह के इसमें हमें वहां पर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे गैजेट्स और जो पता चले जिसके माध्यम से सिस्टम को वो वहां पर एक्सेस लेते थे, जिसमें क्विक एसेट लॉग इन गो शेयर करके थे, जिसको माध्यम से जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं उनके डेस्कटॉप लैपटॉप को शेयर करने के बाद यहां से पॉपअप भेजा जा रहा था। तो सभी चीजों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। सभी सामान को सीज किया गया जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही साथ ये अभी विगत 1.5-2 माह से ये गैंग पूरी तरह से सक्रिय होकर यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करके यहाँ पर चल रहा था। अब इसके कुछ कनेक्शन मिले हैं जो अलग बाहर की कंट्रीज से मिले हैं, जहां से इनका ट्रांजेक्शन भी ट्रेल मिली है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी आए हैं जो बाहर से इनके साथ कनेक्टेड थे और ऑपरेट हो रहे थे, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है।